कुकर लिया हुआ है, प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे इसमें आलू। और यहाँ पे हमने जो है मटर को पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था, मटर पूरी तरह से फूल गया है, तो अब हम मटर को डाल देंगे जो है प्रेशर कुकर में। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है, इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ छोला और पापड़ी, जो कि खाने में काफी टेस्टी होता है। बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस बरसात के मौसम में हम बनाते हैं छोला और पापड़ी। तो यहाँ पे हमने आलू और मटर को हमने भिगो कर रखा हुआ था, इसे हम पानी डालकर इसे हम उबाल लेंगे। तो प्रेशर कुकर को हम कर देंगे बंद, अब आग को हम जला लेंगे। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, प्रेशर कुकर को हम रख देंगे चूल्हे पर। तो जब तक हमारा आलू मटर उबल रहा है, तब तक हम जो है पापड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है 3 पाव मैदा लिया हुआ है, जितना सोता है उतना ही हम बनाएंगे। तो मैदे को हमने पहले से ही जो है चन्नी से छान लिया हुआ था। मैदे में हम डाल देंगे जो है अजवाइन 2 चुटकी, और अब इसमें हम डाल देंगे जो है रिफाइन ऑयल। और अजवाइन को हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और रिफाइन हमने इसलिए डाला हुआ है ताकि हमारा जो है पापड़ी खस्ता बने। तो रिफाइन ऑयल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप सबको जो है रिफाइन ऑयल ज्यादा अगर हम डाल देंगे तो हमारा जो है पापड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा रिफाइन ऑयल कम ही डालें। अब इसमें हम जो है सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए जो है हल्का सा इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे, तो समझ लीजिए परफेक्ट जो है हमारा बनकर तैयार है। तो अब हम इसे पानी से जो है गूंथ कर तैयार करेंगे। और पापड़ी का जो आटा होता है इसे मुलायम नहीं साना है, थोड़ा सा टाइट ही सानेंगे गूंथेंगे हम। तो आटे को हमने गूंथ लिया है, देखिए थोड़ा सा टाइट आटा ही हमने गूंथा हुआ है पापड़ी बनाने के लिए। तो 6 सीटी हो गया है, प्रेशर कुकर को हम नीचे उतार लेंगे। तो ये देखिए मटर और आलू हमारा बहुत अच्छे से हो गया है छोला बनाने के लिए। तो इसे हम भगोने में पलट लेंगे। आलू को हम निकाल कर इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। छोला, तो इसके लिए हम कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे पर। इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल, छोला हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। पहले इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, जीरा हल्का सा चटक गया है, इसी समय इसमें हम डाल देंगे जो है प्याज। और यहाँ पे हमने 2 छोटा प्याज लिया हुआ है, इसे हम बारीक बारीक काट कर डाल देंगे। तो इसमें हम कुछ साबुत मसाले डाल देंगे, और ये डालना हमने भूल गई थी तो बाद में डाल रही हूँ, प्याज से पहले ही डालना चाहिए। 2 तेज पत्ता है, जावित्री है, दालचीनी है, काली मिर्च है, और 2 इलायची है, और लौंग है। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो है अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट। और साबुत मसाले से हमारे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ब्राउन हो चुका है, तो इसे भी तेल में अच्छे से पका लेंगे, लहसुन अदरक और मिर्चा। अदरक लहसुन मिर्चा का कच्चापन खत्म हो गया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जो है हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, मसाले को अच्छे से मिक्स। तो मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से तेल में पक चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे मटर, अच्छे से हम छोले में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, तो नमक को मिलाकर अच्छे से हम छोले को पका लेते हैं। तो छोला हमारा बहुत ही अच्छे से पक रहा है, इसे हम एक बार चला देंगे, नहीं तो नीचे पकड़ लेगा। तो जब तक हमारा छोला पक रहा है, तब तक हम जो है पापड़ी की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा इस तरह से हाथों में ले लेंगे, और छोटी छोटी हम चकई काट कर तैयार कर लेते हैं। तो छोटी छोटी चकई काटेंगे इतना इतना, तो फटाफट काट कर हम रख लेते हैं। तो सभी चकई को हमने गोल गोल देखिए घुमा लिया है बहुत ही अच्छे से। इधर हमारा छोला बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया है, आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है छोले से। तो इसे हम एक बार चलाएंगे, उसके बाद हम इसे उतार देंगे। इसे हम एक भगोने में पलट लेंगे, क्योंकि इस कढ़ाई में हम बनाएंगे पापड़ी। तो कढ़ाई को हमने साफ कर लिया है, इसे हम रख देंगे चूल्हे पर। इसमें हम डाल देंगे रिफाइन ऑयल पापड़ी बनाने के लिए, और रिफाइन ऑयल को हम पूरी तरह से गर्म कर लेंगे। तो अब हम फटाफट जो है पापड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं बेलन की सहायता से। तो ये देखिए जो है ज्यादा ना ही पतला और ना ही ज्यादा मोटा जो है रोटी बेलना है पापड़ी के लिए। और यहाँ पर मैंने फोक वाला चम्मच लिया हुआ है, इसे हम इस तरह से फोक लेंगे, और इस तरह से हम इसे तौलिया पे रख देंगे।
तो इसी तरीके से हम जो है बाकी और पापड़ी बनाकर रख लेते हैं फटाफट। तो इधर देखिए ढेर सारा हमने पापड़ी बनाकर रख लिया है, इधर तेल भी हमारा गरम हो गया है, तो गर्मा गर्म तेल में हम पापड़ी को छान लेंगे। पापड़ी को हम दोनों तरफ उलट पलट के जो है इसे हम क्रिस्पी कर लेंगे। हमारा ब्राउन हो गया है, सब देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर हमारे पापड़ी बनकर तैयार हो रहे हैं। इसे हम तेल से निकाल लेंगे बाहर, और जो एक्स्ट्रा तेल है इसे हम अच्छे से तेल में कढ़ाई में गिरा देंगे। तो इसी तरह हम जो है सभी पापड़ी को जो है तेल में फ्राई करके रख लेंगे। सभी पापड़ी को हमने तेल में फ्राई कर लिया, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे जो है पापड़ी बने हुए हैं, काफी क्रिस्पी है। तो आप सबको एक पापड़ी जो है तोड़कर दिखाते हैं कितना क्रिस्पी बना हुआ है, देखिए ये देखिए। तो पापड़ी को हम आप सबको सजा कर दिखाते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा हमारा पापड़ी बना हुआ है। तो पापड़ी पे हम रखेंगे छोला, तो सभी पापड़ी पे छोले को हमने रख दिया है। तो अब हम डाल लेंगे ऊपर से कटी हुई प्याज, सेव वाली नमकीन, ऊपर से हम डालेंगे काला नमक, अच्छा लगने के लिए जिसे हम जो है पुदीने के पत्ती से सजा देंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर हमारे जो है चाट पापड़ी बने हुए हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा पापड़ी चाट हमारा बनकर तैयार।